Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know what? The Backbenchers Institute is an institute of spoken English at Korba City. और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में, I'm going to teach you very interesting things. जैसे आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल स्टोरी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. स्टोरी कैसे पढ़ते हैं और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द स्टोरी, कैसे हम स्टोरी को समझ सकते हैं, वो प्रॉपर चीज मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो वीडियो है वो फोर्थ वीडियो है. हम ऑलरेडी सीरीज बना रहे हैं. बहुत ही सिंपल सिंपल स्टोरी है, बहुत ही क्लास 5, 6, 7 या फिर आप क्लास 8 में आप पढ़ते हैं ऐसा स्टोरी है. आजकल तो ये सब स्टोरी बच्चे क्लास 2, 5 में ही 4 में ही पढ़ने लगते हैं, ठीक है ना. बट अभी भी एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा लोग है जो बहुत सिंपल सिंपल स्टोरी नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते इंग्लिश. ओके, सो फॉर देम I'm going to make this video and definitely I'll teach you very simple, simple story. Okay? So if you are new, so you have to watch this video completely. Got it? Okay? चलिए समझते हैं, एक-एक word समझेंगे कि क्या verb है, किस तरीके से बोला जा रहा है. Everything we are going to understand. Clear? Okay. So ये story number 4 है. Already हमने 1, 2, 3 upload कर दिया है. अगर आप नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा. Got it? Story number 4 हम अभी पढ़ रहे हैं. Got it? तो टाइटल का नाम है बिरबल द वाइज. ओके, आपको पता है बिरबल एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है. हम पास से ही उसको उनकी अकबर बिरबल की कहानियां सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है. तो उसी में से ये कैरेक्टर लिया गया है बिरबल. ओके, वॉइस मतलब होता है. ओके, वॉइस थोड़ा सा मैं फंबल करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा. तो जो वॉइस होता है वो उसका मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. कॉरिट, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. बिरबल के बारे में वो कैसे इंटेलिजेंट है, कैसे वो बुद्धिमान है, ठीक है, इस स्टोरी में बताया गया है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो वन डे, एक दिन. ओके, वन डे अ रिच मर्चेंट केम टू बिरबल. अब रिच मर्चेंट, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी. क्या होता है? व्यापारी. तो मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी. और केम टू बिरबल, तो एक दिन एक अमीर व्यापारी बिरबल के पास आया. ओके, एक दिन एक अमीर व्यापारी बिरबल के पास आया. ही सेड टू बिरबल, उसने बिरबल से कहा, आई हैव 7 सर्वेंट्स इन माय हाउस, मेरे घर में 7 नौकर, 7 कर्मचारी हैं, 7 कर्मचारी काम करते हैं. ओके, वन ऑफ देम हैज स्टोलन माय बैग ऑफ प्रीशियस पर्ल्स. ओके, तो मेरे घर में 7 कर्मचारी हैं. ओके, और वन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से एक ने मेरे प्रीशियस मतलब होता है कीमती, प्रीशियस मतलब कीमती, और पर्ल्स मतलब होता है क्या, मोती. ओके, तो वन ऑफ देम हैज स्टोलन माय बैग, तो उनमें से एक ने मेरा बैग चुरा लिया है. उनमें से एक ने मेरा बैग चुरा लिया है. कौन सा बैग चुरा लिया भाई? मोती वाला बैग, कीमती बैग, मोती वाला बैग, है ना, मोती वाला बैग चुरा लिया है. गॉट इट? चलिए, प्लीज फाइंड द थीफ. ठीक है, प्लीज फाइंड द थीफ, तो कृपया चोर को ढूंढिए. तो थीफ मतलब होता है चोर. ओके, कृपया चोर को ढूंढिए. सो बिरबल वेंट टू द रिच मैन्स हाउस. ओके, तो बिरबल उस अमीर व्यापारी के घर में गया. वेंट मतलब की गया, गो वेंट गॉन, क्लियर है. तो बिरबल उस अमीर व्यापारी के घर में गया. ही कॉल्ड ऑल द 7 सर्वेंट्स इन द रूम, है ना, उसने पूरे 7 के 7 कर्मचारियों को एक रूम में बुलाया. ओके, बुलाया. ही गेव अ स्टिक टू ईच वन ऑफ देम, है ना, टू ईच वन ऑफ देम. तो बिरबल ने उन सभी को क्या किया, एक स्टिक दिया, एक लकड़ी दिया. देन ही सैड, फिर उसने कहा, किसने कहा, बिरबल ने. ओके, फिर बिरबल ने कहा, दीज आर मैजिक स्टिक्स. ओके, ये जो छड़ी है वो जादुई छड़ी है, मैजिक की जादू, ठीक है ना, ये जो छड़ी है वो जादुई छड़ी है. ठीक है, जस्ट नाउ ऑल दीज स्टिक आर इक्वल इन द लेंथ, है ना, अभी के लिए ये सभी लकड़ियां साइज में, आकार में बराबर है. आकार में क्या है? बराबर है. लेकिन कीप देम विथ यू एंड रिटर्न टुमारो,
अभी आप इसे अपने पास रखें, बिरबल ने कहा। इन सभी लकड़ियों को सब जिसने एक एक करके सभी को एक एक लकड़ियां दिया, आप सभी इस लकड़ियों को लकड़ी को अपने पास रखें और कल मुझे वापस करेंगे, कल मुझे वापस करेंगे। इफ अगर अगर इफ देर इज अ थीव इन द हाउस, ओके देखिए, इफ देर इज अ थीव इन द हाउस, अगर घर में कोई चोर होगा, अगर घर में कोई चोर होगा, हिज स्टिक विल ग्रो एन इंच लॉन्गर बाय टुमारो। तो उस चोर, अगर कोई घर में चोर होगा है ना, तो उसका छड़ी, उसका छड़ी, उसमें लकड़ी है, वो क्या हो जाएगा, एक इंच साइज में बड़ा हो जाएगा, एक इंच साइज में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। The servant who had stolen the bag of pearls was scared. Okay? तो जो servant, जिस नौकर ने बैग चुराया था, वह घबरा गया, वह डर गया, okay? घबरा गया, डर गया। He thought मतलब होता है सोचा, okay? Think, thought. He thought, उसने सोचा, if I cut a piece of one inch फ्रॉम द स्टिक, है ना, अगर मैं लकड़ी से, अगर मैं अपने अगर जो चोर था है ना, उसने सोचा अगर मैं अपने लकड़ी से एक इंच काट दूं, एक इंच हिस्सा काट दूं, सो आई वॉन्ट बी कॉट, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, वॉट इज, सो ही कट द स्टिक एंड मेड इट शॉर्टर बाय वन इंच। तो उसने एक इंच काट दिया और एक इंच जिस उस लकड़ी का लेंथ था उससे एक इंच उसने छोटा कर दिया, है ना, मूर्ख नौकर, ठीक है, तो सॉरी, तो एक इंच छोटा कर दिया उसने। चलिए आगे, नेक्स्ट डे बीरबल कलेक्टेड, है ना, बीरबल कलेक्टेड द स्टिक्स फ्रॉम द सर्वेंट, तो नौकरों से बीरबल क्या कर, सभी लकड़ियों को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ही फाउंड, उसने ध्यान दिया, उसने खोजा, उसने पाया, ओके, दैट कि वन सर्वेंट स्टिक वॉज शॉर्टर बाय एन इंच, उसने पाया कि एक नौकर का, है ना, एक कर्मचारी का जो लकड़ी है वो एक इंच छोटा है, एक इंच छोटा है। बीरबल पॉइंटेड हिज फिंगर एट हिम, है ना, बीरबल ने अपना जो फिंगर है उसकी तरफ किया कि देख भाई वो चोर है, है ना, वो चोर है, ठीक है ना, उसकी तरफ किया। हियर इज द थीफ, कि देखो भाई यहाँ चोर है, ये जो व्यक्ति है वो चोर है, उसने बैग चुराया है, ओके। द सर्वेंट कन्फेस्ड टू हिज क्राइम, तो चोर ने अपनी क्राइम, अपनी जुर्म कन्फेस्ट किया, स्वीकार किया। ही रिटर्न द बैग ऑफ पर्ल्स, तो उसने मोतियों का जो बैग था उसको रिटर्न किया, वापिस किया, ओके। ही वॉज सेंट टू द जेल, ही वॉज सेंट टू द जेल, और उसको जेल भेजा गया, ठीक है, उस व्यक्ति को फिर जेल भेजा गया, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल स्टोरी, यू नो नीड टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड द स्टोरी। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यू नो नीड टू फाइंड द लॉजिक बिहाइंड द स्टोरी, बिकॉज दिस स्टोरी इज ऑलरेडी मेड फॉर द चिल्ड्रन, ओके, फॉर to explain them, okay, how they can understand the story very easily in a very short, okay. So and if you already, okay, known about, if you have already known about the story, okay, so you will think that अरे ये तो बहुत simple story है sir, इसको क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन छोटी छोटी स्टोरी भी नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, ओके। दैट्स अ वेरी सिंपल इंग्लिश दैट आई एम टीचिंग यू, ओके। सो दैट वी हैव लर्न द स्टोरी, हमने स्टोरी ऑलरेडी सीख लिया, पढ़ लिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ओके, व्हाट एवर सेंटेंसेस, व्हाट एवर वर्ड्स आई हैव पिक्ड, ओके, फ्रॉम द स्टोरी, यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोटबुक एंड यू हैव टू मेक योर ओन डिक्शनरी, गॉट इट, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. And I'll meet you in the next story. Thank you so much.